अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आज की जो ज़रूरी अपडेट है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले शुरुआत करते हैं इंडिया से, उसके बाद अरब देशों की जो अपडेट है वो शेयर करूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक इंडियन शख्स को गिरफ्तार किया। वो दुबई में इंजीनियर का जॉब करता था। उस बंदे का नाम मोती सिंह राठौर। कसूर ये था, एक प्लेन में वो सफ़र कर रहा था बंदा, दुबई से जयपुर जा रही थी, और उसने ट्वीट कर दिया ट्विटर में कि हमारा प्लेन जो है हाईजैक हो चुका है, जबकि प्लेन हाईजैक नहीं हुआ था। ख़राब वेदर के वजह से वो प्लेन को जयपुर से दिल्ली के लिए मूव कर दिया गया था। अब देखिए, ट्विटर में अगर कोई भी इस तरह का ट्वीट कर देगा, वो भी सिविल एविएशन इंडिया को टैग करके, तो लोगों में खौफ तो पैदा हो गई। बाद में जब पुलिस ने उस बंदे से पूछा कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलता है मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था, बहुत डिले हो रहा था फ्लाइट, मुझे लगा हाईजैक हो चुका है। तो कभी भी बिना जाने सुने कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक में बिल्कुल भी शेयर मत कीजिएगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल, उस बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया, अब जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी अपडेट इंडिया से अच्छी अपडेट है। भारत बायोटेक, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये फार्माट्यूकल्स का, उन्होंने नासाल वैक्सीन का लॉन्च कर दिया है। नासाल वैक्सीन क्या होता है, जो नाक में हम लोग ड्रॉप लगाते हैं ना, उस तरह का ये वैक्सीन है, जो कि कोविड वैक्सीन है। कोरोना का अभी तक हम लोग वैक्सीन ले रहे थे ना, तो अब ये वैक्सीन लेने का ज़रूरत नहीं है। नाक में भी लोगे तो भी चल जाएगा। 28 दिन के अंतराल में इसका दो डोज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद एक बहुत दुखद खबर आ रही है। देखिए, भारत में कुछ एजेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई ईमान है, ना ही अल्लाह का खौफ है। एक बंदे ने एक लेडीज़ को जॉब देने के नाम पर ओमान भेजा, 1.5 लाख रुपया लिया उस लेडीज़ से। बेचारी उसने गहने उन्हें गिरवी रख के उस बंदे को पैसा दिया। बाद में पता चलता है कि उसको काम पे नहीं, उसको बेच ही दिया। ओमान में कोई स्टेक को बेच देने की खबर आ रही है। ऐसा बहुत ठगी का शिकार हो जाते हैं लोग, जिनको पता नहीं रहता, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, वैसे लोग एजेंट लोग बहुत ठगता है। स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊँगा खदामा का या फिर घरेलू वर्कर का जॉब के बारे में, जिसमें कुछ मैं पॉइंटर्स बताऊँगा जो आप लोग शेयर करके बाकी लोगों को ज़रूर अवेयर कर देना, क्योंकि उनके साथ में बहुत चीटिंग होती है। इसके बाद एक खबर आ रही है, देखिए, धोनी और कोहली केएल राहुल से जुड़ा हुआ। केएल राहुल ने हाल फिलहाल में शादी किया, सुनील शेट्टी का बेटी से शादी की, आप लोगों को पता होगा। खबर ये आ रही है, विराट कोहली ने करोड़ों रुपये का BMW कार गिफ्ट किया केएल राहुल को, 3 करोड़ के करीब में प्राइस बताया जा रहा। धोनी ने भी केएल राहुल को एक बाइक गिफ्ट किया, जिसका प्राइस बताया जा रहा करोड़ों रुपये। अब ये न्यूज़ देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि केएल राहुल के पास ऑलरेडी इतना सारा पैसा है, और ये लोग अगर गिफ्ट भी करना रहता तो देखिए अमीर अमीर को ही गिफ्ट कर रहा। करोड़ रुपए का गिफ्ट करने से अच्छा है भाई तुम कोई गरीब का हेल्प कर देते। कितने लोग हैं इंडिया में जो एक टाइम का सही से खाना नसीब नहीं है उनको, वैसे लोगों को घर बना देते, रहने के लिए उनको घर मिल जाता, गरीबों का दुआएं लगती। ये तो मैंने अपना ओपिनियन बताया, आप लोगों का क्या सोच है कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं सऊदी अरब से जुड़ी जो अपडेट है उसकी। पहली अपडेट गोल्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए, गोल्ड का प्राइस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया सऊदी अरब में। एक समय था जब 21 कैरेट का दाम 195 रियाल तक भी पहुंच गया था, लेकिन अभी ये जो है 205 के ऊपर पहुंच गया है। इसके बाद एक खबर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आ रही है, सऊदी पुलिस ने आज एक इजिप्शियन को गिरफ्तार किया है। वो बंदा सोशल मीडिया पर खुलेआम नशा करने वाली चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। बताइए, खौफ ही नहीं है यहाँ का कानून का। इसके बाद एक अपडेट सऊदी अरब के जकात एंड टैक्स अथॉरिटी की तरफ से आया है। उन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरबिया में घरों का किराए में या फिर जो लोग घर खरीदते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। 15% का टैक्स कोविड के समय से इम्प्लीमेंट किया गया, अभी तक चल रहा, आप लोग को पता होगा, लेकिन घरों के लिए ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके बाद एक अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया है, टीचर्स के लिए, जितने भी लोग टीचर्स का जॉब करते हैं सऊदी अरब में, उनसे ये कहा गया है कि जिन टीचरों की सोच कट्टरपंथ विचारधारा वाली है, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी के शहरी हो, वैसे लोगों को वो तुरंत टर्मिनेट कर देंगे जॉब से, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में इस तरह के जो आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, वो खुलेआम अपना बयानबाजी करते हैं और उनको पुलिस तक गिरफ्तार नहीं करती है। इसके अलावा ये भी कहा सऊदी हुकूमत ने कि जिन लोगों की सोच अच्छी है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं,
ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को सरकार 500 रियाल से लेकर के 800 रियाल तक का बोनस भी देगी। तो देखिए यही सब चीज़ है जिसके वजह से सऊदी अरब का जो माहौल है वो अच्छा है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको डर नहीं लगता है कि बाहर जाएंगे कोई मुझे मार देगा या किडनैप कर लेगा या चोरी हो जाएगा। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे लोग डरते हैं रात में या फिर कहीं अकेले में जाने से। इसके बाद एक खबर कुवैत से जुड़ा हुआ है। देखिए 21 तारीख की ये घटना थी, कुवैत में एक फिलिपिनी घरेलू वर्कर को, खदामा को, कुवैत में जिस घर में वो काम कर रही थी उस घर का ही एक लड़के ने बलात्कार करके, फिर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेग्नेंट हो जाने के बाद उस लड़के ने उस फिलिपिनी लड़की को जान से मार दिया और उसके बॉडी को जला दिया, जला करके फेंक दिया। पुलिस को उस फिलिपिनी लड़की की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि जिस घर में वो लड़की काम कर रही थी उसी घर के एक लड़के ने उनके साथ ऐसा किया है। पुलिस तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। फिर ये खबर जो है मानो आग लगा देती है इंटरनेशनल मीडिया में, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होती है। फिलीपींस के लोग में यूनिटी बहुत है, तुरंत एम्बेसी वाले एक्शन ले लेते हैं। फिलीपीन का जो एम्बेसी है वो हैंडओवर ले लेते हैं इस केस को और बाकायदा एक वकील को भी हायर करते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि इस केस को आप आगे लेकर के जाओ। तो अभी देखिए खबर ये आ रही है कि कुवैत हुकूमत ने फाइनली ये डिसाइड किया है उस लड़की का लाश को फिलीपीन भेज दिया जाएगा उनके फैमिली के पास। तो यार ऐसी खबर सुन के बहुत तकलीफ होता है। लोग अपना घर परिवार सबको छोड़ करके यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, वो भी बेचारी लेडीज जात औरत लोग यहाँ पे काम करते हैं और उनके साथ में इस तरह का घटना होता है, दिल को बहुत तकलीफ पहुँचता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।